अस्सलामु अलैकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। नगमा किचन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी और चने दाल की भाजी मेरे तरीके से। तो चलिए फिर देखते हैं और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं ले ली हूँ लौकी, लौकी दूधी जो भी कह लें आप। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं काट करके पानी में डाल करके रख दी हूँ। और इसी के साथ मैं ले ली हूँ ये चना दाल। तो इसको मैं एक घंटे पहले भिगा करके रख दी थी। ये देखिए, अच्छे से ये फूल गया है। तो इसी के साथ हम कुछ मसाले पीस लेते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़े से कुछ मसाले ले लिए हैं। तो इसमें मैं ली हूँ एक चम्मच जीरा, 6 से 7 लहसुन की कली, आधा इंच टुकड़ा अदरक, 5 हरी मिर्ची और ये 5 से 6 काली मिरी ली हूँ। तो इसको हमें पीसना है। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये मिक्सर का वाटी ले ली हूँ। तो मैं एक साथ में ये डाल करके अच्छे से बारीक इसको पीस लूँगी। अदरक को थोड़ा छोटा काट लेते हैं। तो चलिए मैं इसको पीस करके लेके आती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मसाले को मैं अच्छे से बारीक पीस ली हूँ। और उसी के साथ यहाँ पे मैं ले ली हूँ कुछ पाउडर मसाले। तो ये 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और ये नमक मैं ले ली हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। और ये 1 छोटे साइज़ का प्याज है, इसको इस तरीके से मैं काट ली हूँ। और ये 1 मीडियम साइज़ का टमाटर मैं ले ली हूँ। तो चलिए फिर फटाफट से हम बनाते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं कढ़ाई रख दी हूँ और गैस कर दी हूँ चालू। कढ़ाई अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें मैं डाल लेती हूँ 1 बड़ा चम्मच भर के तेल। ये देखिए, तेल में डाल दी हूँ और तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 तेज़पत्ता और इसी के साथ प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें अच्छे से गोल्डन होने तक पकाना है। लौकी की भाजी अगर बिना मसाले के बनाए तो भी अच्छा लगता है, लेकिन दाल अगर डाल करके बना रहे हैं इस तरीके से तो थोड़ा सा मसाला डाल करके बनाए तो ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप लोगों ने देखा है कि मैंने बहुत कम मसाले लिए हैं। ये इसी तरीके से बनता है तो अच्छा लगता है खाने में। आप लोग कभी बनाइएगा इस तरीके से। तो ये देखिए, प्याज अच्छे से गोल्डन हो गया है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ पिसा हुआ मसाला। और इसी के साथ डाल देंगे पाउडर मसाले भी। और ये मैं नमक भी डाल देती हूँ इसमें। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। वाटी में थोड़े से मसाले लगे हैं, मैं थोड़ा सा पानी डाल करके खंगाल के वो भी डाल देती हूँ। मसाले को ढक देते हैं और थोड़ी देर पका लेते हैं ताकि मसाला अच्छे से भुना जाए। चलिए मैं इसको ढक देती हूँ। चलिए मसाले को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, मसाला हमारा अच्छे से भुना गया है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ चने का दाल जो हम भिगा करके रखे हैं, ये डाल देते हैं इसमें।
इसमें मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी। ढक करके थोड़े देर पका लेते हैं। तो ये देखिए दाल को थोड़ी देर पकाने के बाद अब इसमें हम डाल देते हैं लौकी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से हम ढक करके पकाएंगे। लौकी में काफ़ी मॉइस्चर होता है, अभी ये थोड़े देर पकेगा तो काफ़ी पानी छूटेगा इसमें से। तो चलिए मैं इसको ढक देती हूँ। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मैं इसमें पानी नहीं डाली हूँ, ये सारा पानी लौकी का ही छूटा हुआ है। अब इसमें से और पानी छूटेगा। इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें मैं डाल देती हूँ टमाटर। अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। तो इसको इसी तरह ढक देते हैं और लौकी के गलने तक अच्छे से पका लेंगे। चलिए एक बार और चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह ये हमारा भाजी बन करके तैयार हो गया। ये देखिए अच्छे से लौकी भी गल गया और दाल भी। तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। इसके ऊपर से हरा धनिया काट करके डाल दीजिए, मेरे पास अभी नहीं है, ख़त्म हो गया है, इसके लिए मैं नहीं डाल रही हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों को निकाल करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये हमारी लौकी की भाजी बन करके तैयार हो गई और माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखिए कम मसाले में बहुत ही अच्छा बनता है, ये टेस्टी लगता है खाने में। आप लोग बनाइएगा इस तरीके से कभी और बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। ये देखिए इस पर थोड़ा सा हरा धनिया काट करके डाल दीजिए ऊपर से, बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पास अभी नहीं था, ख़त्म हो गया, इसके लिए मैं नहीं डाली हूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और आप लोग भी बनाइए इस तरीके से और बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और रेसिपी के साथ। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।